भाई लोग आजकल सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने दोबारा जॉयलैंड पे बैन लगा दिया, नहीं क्या मतलब खिसक गई है तुम लोगों की, एक बार डिसाइड कर लो कि बैन लगाना है या हटा देना है। कभी लगा देते हो फिर हटा देते हो फिर दोबारा लगा देते हो, और वार्निंग दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर जॉयलैंड से बैन ना हटा तो आवाम ने पागल हो जाना है, आवाम ने सड़कों पर आ जाना है, फैमिलियों ने सड़कों पर आ जाना है। देखो इतनी ऑलरेडी टेंशन चल रही है इस मुल्क में, महंगाई की टेंशन है, बेरोजगारी की टेंशन है, घर में बीवी की टेंशन है और बाहर गर्लफ्रेंड की टेंशन है, ऑफिस में बॉस की टेंशन है और बॉस के साथ साथ सेक्रेटरी की भी टेंशन है। इन छह दिन की टेंशनों से गुजर के बंदे को एक दिन मिलता है कि वो अपनी फैमिली को लेके अपने बच्चों को लेके संडे को जॉयलैंड जाए, और आप मुझे भी बैन कर रहे हो नहीं क्या, और बैन कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो, मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा एक झूला ही गिरा होगा ना वहां पे, तो क्या नहीं गिरता हमारे मुल्क में, नाला लही में रोज ट्रक गिर जाते हैं, अरबों के जहाज गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए अंकलों की विक गिर जाती है, मेरा दिल ये पुकारे आजा देख के लड़कों की हया गिर जाती है, क्या नहीं गिरा हुआ हमारे स्कूल में, कौन नहीं गिरा हुआ हमारे स्कूल में, तो झूला गिरने पे आप लोग बैन करोगे यार। मेरा भतीजा जो कि क्लास टू में है अभी, उसका ट्रिप किया है जॉयलैंड अभी रिसेंटली, और मैं भी जब क्लास टू में था मेरा ट्रिप भी जॉयलैंड किया था मुझे याद है। तो 20 साल से हर क्लास टू के बच्चे की ख्वाहिश का नाम है जॉयलैंड, उस मर्द की ख्वाहिश का नाम है जॉयलैंड जिसमें अभी भी एक बच्चा रहता है, हर उस ग्रीन टाउन और छादरा में रहने वाले लड़के की ख्वाहिश का नाम है जॉयलैंड। और आप याद रखिएगा कि आप जॉयलैंड को नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशों को भी बैन कर रहे हैं, तो जाके कह दें जिस LDA PHA जो भी है उनसे कि अगर ये बैन ना हटा तो फिर बहुत बुरा होगा। थैंक यू।